हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। और हम लोग लेके आ चुके हैं गाला पेपर सॉल्यूशन का, मैथ्स का बेसिक पेपर सेट लेटेस्ट 2023। भाई सब लोग बोल रहे थे सर स्टैंडर्ड ही करवाओगे क्या, बेसिक का कुछ नहीं करवाओगे, तो हम बेसिक पेपर सेट के साथ आ गए हैं। बस एक रिक्वेस्ट है भाई, हम लोग जितने भी पेपर्स कहेंगे हम लोग कोशिश करेंगे सारे के सारे सॉल्व करें, बट आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि 100 लाइक्स तक पहुंचाओ, हर स्टूडेंट के पास पहुंचाओ ताकि वो लोग भी सीख सके। प्लस भाई थोड़ा बहुत अगर आपके फायदे में हमारा भी फायदा होता है तो क्या फर्क पड़ता है, जस्ट नीड एन रिकॉग्नाइजेशन ताकि आगे से आगे बढ़ सके। तो बेसिक का पेपर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट सेक्शन ए के साथ। जितना जल्दी 100 लाइक होगा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सो प्लीज शेयर मैक्सिमम एज मच एज पॉसिबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखेंगे तो 2, एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है 4। सो अगर इनका एलसीएम अगर हमको बोला है तो एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू 4, क्योंकि भाई 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, सो इट इज ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ax² + bx + c इज अ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। देखो वैसे तो मैं डायरेक्ट ही बता सकता हूँ, बट आपको एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर ax² + bx + c दिखा हुआ है, सारे के सारे पॉजिटिव है, सिर्फ एक चीज याद रखना, पैराबोला जो है यहाँ पे हमेशा मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखोगे तो हमेशा जो है पैराबोला, जैसे हम लोग मान लेते हैं एक इक्वेशन जनरल लेता हूँ x² + 2x + 1, कोई भी वैल्यू रखो, एक्स की जगह आप 0 रख दो तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 होगा तो 1, ठीक है। एक्स की जगह 2 रख दो तो ये हो जाएगा 2² भाई, सपोज 0 रखा तो वाई, ये मान लो वाई इक्वल टू दिस, पी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू दिस, 0 रखा तो एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 1, ठीक है ये याद रखना। फिर एक्स इक्वल टू सपोज मैंने 1 रखा तो वाई इक्वल टू आपका हो गया 4, ठीक है। एक्स अगर 1 है तो वाई इक्वल टू 4। एक्स सपोज मान लो -1 है, एक्स अगर -1 है वाई इक्वल टू 1 - 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 0, वो 0 आ जाएगा। तो हमेशा अब आगे देखते जाओगे तो ये वैल्यूज जो है इस तरह से बढ़ती रहेगी, ओपनिंग अपवर्ड। जब भी सारे के सारे पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड क्या होगा, ओपनिंग अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। एक और चीज बता दूं, ओपनिंग डाउनवर्ड कब होगा मैं ये बता देता हूं, ये तो ओपनिंग अपवर्ड था, दिस इज ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड। लेकिन ओपनिंग डाउनवर्ड के लिए जो पी ऑफ एक्स है वो पी ऑफ एक्स इक्वल टू -ax² + bx + c, खाली ए वाली साइन अगर माइनस हो जाती है तो इट विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड, ये चीज याद रखना है, बाकी हमेशा वो ओपनिंग अपवर्ड रहेगा। कोशिश करते रहो, ध्यान रखते हो तो ये वाला तो डाउनवर्ड लिखा हुआ है तो फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, फॉल्स। भाई हर वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल नहीं होता है, सिर्फ साइन 45 और कॉस 45 इक्वल है, बाकी साइन 30 कॉस 30 सबकी वैल्यू अलग है। ध्यान रखिएगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल लर्न कर लीजिएगा, हर बार बताने कोई नहीं आएगा, बट ध्यान रखो प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो तो फायदा है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। द कोसेकेंट रेशियो ऑफ एंगल ए इज डिनोटेड एज कोसेक ए इन शॉर्ट फॉर्म, इट इज ट्रू, ठीक है। कोसेकेंट रेशियो तो ये ट्रू होगा, कोसेकेंट का जो है कोसेक होता है, सो कोसेक ए दैट इज ट्रू, डायरेक्टली लिख देते हैं। देन एचसीएफ ऑफ 26.91 इज 13, एलसीएम क्या होगा, तो आपको पता ही है HCF into LCM equals to A into B, तो LCM अगर फाइंड करना है तो 26 into 91 upon LCF यानी 13, HCF डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 13 2s are that is equals to 182, भाई ऑप्शन सी 182 इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ रहा है, कहीं पे भी प्रॉब्लम है थोड़ा फास्ट भी हो सकता हूं, लेकिन देखो पेपर समझाने के लिए थोड़ा फास्ट रहूंगा, बट आप क्या करो स्लो स्पीड पे देख लो, आप अपने मोबाइल में लैपटॉप में जहां पे भी स्लो स्पीड करके चेक कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। प्लस अगर नहीं समझ में आता तो रिवर्स कर लो भाई, अपना ही मोबाइल अपना ही लैपटॉप है, आराम से कर लो, टेंशन मत लो, थोड़ा सा रिवर्स करो, वापस चेक कर लो,
फिर समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिए, विल ट्राई कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई देके समझा दूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, भाई ए वन अपॉन ए टू चेक करें तो ए वन आपका 1, ए टू आपका 3, तो 1/3। फिर बी वन अपॉन बी टू चेक करें तो 2 और -6, तो 2/-6 दैट इज इक्वल्स टू 1/3, वो भी माइनस वाला। यहाँ पे अगर आप चेक करते हो ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, भाई ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल है ही नहीं, तो आगे सी वन सी टू का तो कोई लेना देना नहीं है। और ये सिचुएशन किसके लिए होती है? यूनिक सॉल्यूशन। भाई साहब नोट कर लो, नोट कर लो, कंडीशन तो पता ही है ना, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। फिर इसके बाद आता है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो क्या होता है? इनफिनाइट सॉल्यूशन। फिर ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो नो सॉल्यूशन। भाई नोट कर लो, नोट कर लो, याद रख लो, याद रख लो। सो यहाँ पे ऑप्शन ए यूनिक सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज दी, भाई अगर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कहाँ है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये रहा, बाकी सब गलत है, तो ऑप्शन बी। क्या चलो भाई एक बार चेक कर लेता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चला कि इतना सारा मेहनत किया और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो लेट मी फाइंड आउट रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई भाई हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, एकदम परफेक्ट से हो रहा है, चिंता मत करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम द ओरिजिन, भाई ओरिजिन से जो फॉर्मूला का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो डी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, चलो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो याद रखना है भाई, फॉर्मूलाज लर्न कर लो, फॉर्मूलाज जरूरी लर्न करना है, अगर फॉर्मूलाज आपको लर्न है तो भाई कोई आपको रोक नहीं सकता, फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। कोशिश इसके डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूला शीट भी डाल दूंगा, आप अगर फॉर्मूला लर्न कर लेते हो, फॉर्मूला शीट प्रॉपर वे में कर लेते हो, आपका बहुत फायदा है, तो ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मंथ ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडे, भाई जनवरी, जनवरी की बात करें तो 31 डेज होते हैं, और अगर 4 हफ्ते की बात करें तो 4 7 28, भाई 28 डेज होते तो एटलीस्ट सारे के सारे 4 4 तो हो सकते, तो बचे कितने? 3 दिन। अब 3 दिन में वो क्या हो सकता है? संडे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे, वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, और सैटरडे संडे मंडे। ये 7 पॉसिबिलिटीज है कि भाई 5 चीजें होने की, 5th वीक में क्या क्या हो सकता है। तो संडे चाहिए तो 1 2 और 3, तो 3 संडे हो सकते हैं, मीन्स टोटल 3/7, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने हैं? ये 7 है और हमने सर्कल किया वो 3, दैट इज 3/7। याद रख लो भाई, याद रख लो, गलती ना हो जाए, याद रख लो। ठीक है चलिए नेक्स्ट। द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू p of x अकॉर्डिंग टू दैट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p of x, भाई देख लेना है खाली आपको कि कितने बार x एक्सिस को कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, ऑप्शन सी, भाई ऑप्शन सी, क्योंकि 2 बार x एक्सिस को कट कर रहा है। y इक्वल्स टू p of x पूछा है, इसीलिए अगर x इक्वल्स टू p of y होता तो हम लोग चेक करते हैं y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, बट y इक्वल्स टू p of x है तो हम लोग चेक करेंगे x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। डैश कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एन ओजीव, ओजीव से हमें मीडियन मिलता है, ओजीव का ग्राफ याद नहीं हो तो याद कर लो, ओजीव जो है मीडियन देता है, क्या देता है? मीडियन, मीन और मोड अलग चीज है, मीडियन देता है। नेक्स्ट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द प्राइमरी इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, सारे के सारे इवेंट्स का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जो भी है जितनी भी टोटल इवेंट्स है उन सबका एडिशन 1 होता है, आंसर इज 1, ऑप्शन 1 आएगा। चलो क्लियर, समझ में आ रहा है भाई, समझ लियो, समझ समझ कर समझने भेजा, समझ समझदार ही समझ के समझ सकते, मैंने समझा कि मैंने क्या समझ के बोला, तो प्लीज मेक श्योर शांति से, थोड़ा सा स्पीड में मेरी स्पीड हो सकती है बट आपको शांति से समझना है, चीजें वही चीजें हैं बट आपका सिलेबस खत्म हो गया तो स्पीड से बनता है।
a line lying in the plane of a circle intersects the circle at only one point, then that line is called a dash of the circle. भाई एक ही point पे circle को intersect कर रहा है तो क्या होगा? Tangent. भाई tangent का नाम सुना है ना? ये tangent की definition है, tangent. भाई circle है, circle को एक ही point पे, भाई ये इसमें figure में दो बार दिख रहा है, but एक ही point पे थोड़ा सा adjust कर लो, but एक point पे, ठीक है? Tangent. Figure given below depicts the tangent PA PB drawn from the point P lying on the exterior angle of the circle with the center O. Angle PBO equals to 60 degree, then angle AOB कितना होगा भाई साहब? एक चीज याद रखो, ये 90, यहाँ पे भी 90 होगा, ठीक है? हमेशा याद रखना ये 90 90, तो ये दोनों का एडिशन भी 180 डिग्री होना चाहिए. तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? This will be 120 degree. तो एंगल AOB equals to 120 डिग्री. कैसे? तो देख लो, 180 minus 60, सामने वाला 60 डिग्री है, 180 minus 60 that is 120. एंगल ए ओ बी बोला है तो 120 डिग्री होगा, 120 का डबल. एरिया ऑफ माइनस, भाई फॉर्मूला की बात आ गई फिर से. एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप सारे आंसर्स दे सकते हो. नहीं याद है तो फॉर्मूला शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है. फॉर्मूला शीट को पीडीएफ निकालो, प्रिंट निकालो, और अपने टेबल, जो भी स्टडी टेबल है, स्टडी बेड है या कबर्ड है, जो भी है, वहां पे लगा दो, रोज पढ़ो भाई, रोज पढ़ लो. एक चीज हमेशा याद रखना, गुजरात बोर्ड के लिए अगर आपको फॉर्मूला सारे आते हैं तो बेधड़क मैं बोल सकता हूँ कि जिन जो बिल्कुल नहीं जानते, मैथ्स बहुत कमजोर लगता है लेकिन फॉर्मूला सारे आते हैं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ रखना वो पता है, आप पास हो जाओगे भाई पक्का. चलो, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. ये याद कर लो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फॉर्मूला याद रखना है. The perimeter and the area of circle are numerically equal. Then the radius of the circle is, भाई एक देखो, perimeter of circle मतलब circumference of circle 2 pi r, और area of circle means pi r square. दोनों equal है, numerically equal मतलब दोनों equal है. चलो पहले pi से pi उड़ा देते हैं, फिर 2r बचा, उसके upon में r आ गया और ये r square का r हो गया, ठीक है? So r r cancel, therefore r equals to 2. 2 units होगा भाई, 2 कितना? 2 units. देखो, हंसते खेलते सेक्शन ए खत्म हो चुका है. नाउ हम लोग चलते हैं सेक्शन बी की तरफ. कहीं पे भी तकलीफ है कमेंट कर दो, अगर तकलीफ नहीं है समझ लो भाई, समझ लो आपको. और एक चीज याद रखना, अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो भी लाइक कर दो और लिख दो कमेंट में, भाई सर आपने समझा दिया, हमको समझ में आ गया, अब चिंता की कोई बात नहीं, पास हो जाएंगे. बस एक बार यार लिखने में क्या था, इतना पूरा वीडियो देख लिया तो इतना से चीज भी लिख दो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10. Zeros find करने हैं, बहुत easy है भाई. X square plus 7x plus 10. भाई splitting methods 10, 2 5 are 10. तो x square plus 2x plus 5x plus 10 equals to 0. X common निकलेगा तो x plus 2. यहाँ पे 5 common निकलेगा तो x plus 2. ये हो जाएगा आपका x plus 2. मान लो x plus 2 और x plus 5. Equals by either equals to 0 लगा देना, equals to 0. तो x plus 2 equals to 0 और x plus 5 equals to 0. तो x equals to हो जाएगा minus 2 और x equals to हो जाएगा minus 5. भाई दोनों ही नेगेटिव है क्योंकि बीच में पॉजिटिव है. एक चीज शायद आपको याद होना होगा, बट मैं बता देता हूँ. देखो एक चीज याद रखना, अभी ax square plus bx plus cx होगा तो दोनों के cx कहाँ से आ गया, c होगा तो दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव जीरोस, ठीक है? नेगेटिव जीरोस. अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स नहीं, माइनस माइनस बी एक्स हो प्लस सी है तो याद रखना बोथ पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव जीरोस होंगे. अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस हो या माइनस बी एक्स हो, अगर सी माइनस है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों पॉसिबिलिटीज आएगी. ये चीजें याद रखनी है भाई, ये चीजें याद रखनी है. एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Divide this by this to find the quotient and the remainder. भाई divide करना है, इसलिए मैं इतना लंबा थोड़ा नहीं कर रहा. Division करते समय हमेशा याद रखना है, higher order power में properly arrange हो. जैसे x4, उसके बाद x cube आता है, नहीं है तो मैं लिख देता हूँ 0x cube, नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ ताकि गलती ना हो. minus 3x square plus 4x plus 5. और divide में मुझे लिखना है x square plus 1 minus x, तो उसको मैं लिखूँगा x square minus x plus 1. मैंने arrange कर दिया है क्योंकि
उल्टा सीधा रहेगा तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स फोर बनाना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर से, ये हो जाएगा एक्स रेस टू फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, तो मैं एक्स क्यूब बनाना है तो प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस। देखो सॉल्व में डायरेक्ट कर रहा हूं, कहीं पे भी गलती होने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं बोल रहा भाई भगवान तो हो नहीं, पर गलती हो जाएगी शायद अगर जल्दबाजी में करूं तो। प्लीज आप अपनी तरफ से सॉल्व करें और जरूर कमेंट में बता दे, कोई दिक्कत नहीं भाई, बुरा नहीं लगने वाला, जो सही है वो तो सही है, ताकि सबको भी पता चले कि हाँ ये गलती है तो उसको सुधार ले वो लोग भी, ठीक है। तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, ठीक है, ये चीज बच गई। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई भाई, भाई एक्स स्क्वायर को बनाना है माइनस थ्री एक्स, तो माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साइन चेंज होगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और आंसर बचा एट। तो आपका क्यू ऑफ एक्स क्या आ गया, क्यू ऑफ एक्स आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, और आर ऑफ एक्स आ गया आपका एट। चेक कर लो, चेक द आंसर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, चेक द आंसर, ये चीज याद रखो। नेक्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर विच द सम ऑफ जीरोस इज टू एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज फाइव। देखो इसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन दोनों मेथड्स में बता दूं, क्योंकि देखा देखा सा लग रहा होगा आपको, चैप्टर टू का देखा देखा है ना। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टू दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है फाइव, तो एक फॉर्मूला है के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो। चलो ये तो हो गया इजी ट्रिक, तुरंत का तुरंत पता चल गया। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड भी सही है, गलत नहीं है, गलत कोई भी मेथड नहीं है, बट ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए इक्वल टू टू दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई कंपेयर करूं, अगर माइनस बी बाई ए और टू इसको कंपेयर किया जाए तो वी कैन से दैट टू अपॉन वन हो गया, तो ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू माइनस टू, फिर अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है, मतलब होता है सी बाई ए और दिया हुआ है फाइव, तो फाइव बाई ए, तो आपका सी हो गया फाइव। बस आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर डाल दो भाई, ए की वैल्यू क्या है वन तो एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है माइनस टू तो माइनस टू एक्स, सी की वैल्यू क्या है प्लस फाइव, आ गया। दोनों तरीके सेम है, आंसर तो सेम ही आने वाला है, सिर्फ के इधर है कांस्टेंट, कोई भी मल्टीपल भाई कांस्टेंट वन भी तो हो सकता है, तो बोथ द थिंग्स आर करेक्ट। और ये अल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय सेवन। भाई सेवन से स्टार्ट होने वाले थ्री डिजिट नंबर, तो भाई अगर थ्री डिजिट नंबर हंड्रेड से स्टार्ट हो रहा है, सेवन से डिविजिबल होगा तो नहीं, तो सेवन वन जा सेवन, थ्री जीरो सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, तो टू बच गया। इसका मतलब इसके बाद वाला नंबर जो है भाई हंड्रेड है, हंड्रेड में से माइनस टू कर दो, दैट इज नाइनटी एट प्लस सेवन यानी वन जीरो फाइव। फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा 105, इस तरह से करूंगा 112 एंड सो ऑन, और लास्ट डिजिट भाई 999 होता है, उसको 7 से डिवाइड कर दूं तो 7 वन जा 7 29, 7 फोर जा 28 19, तो 7 टू जा 14 बचा 5, तो 999 में से 5 माइनस किया तो 994, तो लास्ट डिजिट आ जाएगा 994। भाई आपके पास ए है 105, डी है सेवन, क्योंकि सेवन आपको दिया हुआ है डिविजिबल बाई सेवन, और ए एन है आपके पास 994, तो आई होप भाई फॉर्मूला पता है एन फाइंड करने के लिए, ए एन से नहीं पता है, लोग बता देते, टेंशन नहीं लेने का भाई अपन है, ठीक है। सो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए एन क्या है 994, ए क्या है 105 प्लस एन माइनस वन एज इट इज, और डी आपका सेवन, तो भाई 994 माइनस 105 करेंगे तो 987, 789 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू सेवन,
789, ठीक है थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, इधर मल्टीप्लाई डिवीजन सब कुछ कर लेने का, नहीं तो ऐसा होगा भाई सर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे क्यों कर रहे कैसे कर रहे हैं। चीज़ देखो चीज़ देखो चीज़ देखो, लेट मी फाइंड आउट भाई। आप बोलो एपी कैसे फाइंड किया, तो मेरे को बोला ना 73 डिजिट का होना चाहिए, 994 माइनस 105, तो 49, 8 और 8, भाई 889 खबर है। तो एन माइनस वन इक्वल्स टू भाई इम्प्लाइज की साइन, देयरफॉर की साइन जो लगाना है 889/7, तो एन माइनस वन इक्वल्स टू 7 1 7, 7 2 14, 7 7 49, तो n equals to 128 भाई। टोटल कितने टर्म्स होंगे, देयर आर 128 थ्री डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 भाई, 7 से डिवाइड होने वाले टोटल 128 डिजिट्स हैं। इवैल्यूएट भाई, इवैल्यूएट मतलब वैल्यू डाल दो, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, वैल्यूज आपको याद रखनी है, मेरा जिम्मेदारी, मुझे तो पता ही है वैल्यू क्या है, बट आपको याद रखने की आपकी जिम्मेदारी। cos 60 की वैल्यू होती 1/2, नहीं, गड़बड़ी हो जाएगी, एक्चुअली गड़बड़ी नहीं, 1/2 होल स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू 30 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर, भाई देखो गलती हो इट्स बेटर टू करेक्ट, तो प्लस और माइनस कैंसिल, तो ये आ गया आपका 2। क्या बात, 2 आए और 2 मार्क्स ले गए, भाई आप तो गजब ही ढा गए यार, 2 आया आंसर और 2 मार्क्स ले गए। चलिए इसके बाद वाला करना है, प्रूव दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो एक चीज याद रखो, याद है, देखा देखा सा है टेक्स्ट बुक में भाई, ये यही हमको मिले थे अपने, क्या नाम है, अरे हमारा चैप्टर 9 ना, चैप्टर 8 के आदि में, चलो कोई बात नहीं देख लो भाई। ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, तो B प्लस सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, चलो ठीक है। अब B प्लस सी बाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों साइड में डिवाइड बाई 2 कर दो, तो B प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ए बाई 2, तो ये हो जाएगा B प्लस सी बाई 2, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो भाई, थोड़ा सा कोई बात नहीं, प्रेम से आराम से शांति से, 2 माइनस ए बाई 2, ये हो जाएगा आपका B प्लस सी अपॉन टू इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाई 2, समझ में आ रहा है, एकदम परफेक्ट। अब देखो दोनों साइड क्या लगा दो, दोनों साइड साइन लगा दो, दोनों साइड क्या लगा दो, साइन लगा दो, साइन लगा देते हैं, तो साइन B प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। और आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना भाई, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस ए बाई, यानी कॉस थीटा दैट इज कॉस ए बाई 2, साफ प्रफुल, हेंस प्रूफ, इज इट क्लियर, हमने प्रूव कर दिया है जो हमको दिया गया था, हुआ कि नहीं हुआ, प्रूव हुआ, हुआ हुआ भाई हुआ। चलिए फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस, एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर, देखो एक मजे की बात देखो, एक्स एक्सिस पे अगर वो पॉइंट है तो क्या होना चाहिए देखते हैं। पहले ए 2, -5 दिया हुआ है, और एक पॉइंट दिया हुआ है B -2, 9, ये दोनों पॉइंट x एक्सिस के ऊपर, एक पॉइंट है मान लो P, अगर वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो x तो हो गई, y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 0, और वो दोनों पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है और इक्विडिस्टेंस पे, इक्विडिस्टेंस भाई डिस्टेंस फार्मूला आता है नहीं आता है, अरे ऐसा क्या करते हो, आता ही होगा यार, टेंशन ना करो, चलो कोई बात नहीं। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लोग लगाए तो AP सिंस गिवन, गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ होती रहती है, छोटे गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो। देखो सिंस गिवन, सिंस AP इक्वल्स टू PB, देयरफॉर चलो रूट थोड़ा नहीं, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता तो होगा ही, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, रूट डिस्टेंस फार्मूला यहां पे मैं लिख दूं, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। भाई बहुत सारे जन बोलेंगे सर x1 - x2 नहीं, x2 - x1 होता है, y2 - y1 होता है, भाई x1 - x2 करूं या x2 - x1 करूं, उसका होल स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं करेगा, चिंता मत कीजिए। तो 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 -0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 -9 होल स्क्वायर। देखो एक तो स्क्वायर रूट दोनों साइड से कट जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 4
माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फाइव का स्क्वायर मीन्स 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। ओहो इधर भी फोर एक्स आएगा, टू एक्स नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाती है भाई, हो जाती है प्लस फोर इक्वल्स प्लस टू बच जल्दी प्लस माइनस नाइन का स्क्वायर मीन्स 81। चलो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, चलो ठीक है बहुत बढ़िया किया, फोर से फोर भी कट कर दो, चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 81 इक्वल्स टू 8x, क्योंकि 4x प्लस 4x क्या हो जाएगा, क्योंकि 4x माइनस 4x उस तरफ आएगा। नाउ अब देखो माइनस 81, 81 में से 25 गया, मतलब यहां पे ले लेते हैं 6, माइनस 56 इक्वल्स टू 8x, देयरफॉर x equals to minus 7, मतलब आपका जो नंबर आ गया, the point is p minus 7 comma 0, ये लास्ट स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, कि the point p minus 7 comma 0 is on the x-axis which is equidistant so and so, आपका आंसर क्या हो गया p minus 7 comma 0। चलिए next, the angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter, एक टावर है, ठीक है? उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट से, ठीक है, दिस इज 30 डिग्री और उसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है ग्राउंड से 30 मीटर। ए बी सी आपको हाइट फाइंड करनी है टावर की, मतलब एक्स फाइंड करना है, ठीक है? तो भाई डिटेल में लिखना चाहिए लेकिन मैं अभी डायरेक्ट बता रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी 10-30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो एक्स अपॉन 30, तो ये मान लो परपेंडिकुलर है और ये मान लो बेस है, इधर लिख देता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देयरफॉर 10-30 की वैल्यू थी 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू x अपॉन 30, देयरफॉर x इक्वल्स टू 30 उस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30 अपॉन रूट 3, फिर रैशनलाइजेशन कर दो तो रूट 3 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू 30 रूट 3 अपॉन 3, तो 3 10s आ, तो भाई टावर की हाइट x कितना हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 10 रूट 3 कितना हो जाएगा, देयरफॉर x equals to 10 root 3 meter, भाई मीटर लगाना मत भूलना, यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट नहीं लगाओ तो लोचा हो जाएगा, तो मीटर लगाना ना भूले, तो x equals to 10 root 3 meter, clear? चलिए next पढ़ते हैं आगे question number 23 पे, two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter, भाई दो concentric circle है, एक 5 centimeter का है और एक 3 centimeter का है, ठीक है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, देखो बड़ा सर्कल जो है वो इसको टेंजेंट स्मॉल सर्कल को टच कर रहा है, तो मान लो ये ओ है, दिस इज ओ, दिस इज पी, ये पूरा बड़ा वाला कोर्ड जो है ए बी है, ठीक है? अब क्या करना है, आपको ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 5, ये याद रखना है, सिंस भाई ओपी जो है परपेंडिकुलर, सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, वो लास्ट में लिखेंगे, छोड़ो चलो अभी अभी नहीं लिखते, अभी नहीं लिखते लिखते, ठीक है? इन ट्राइंगल ए ओ पी, इन ट्राइंगल ए ओ पी यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थियरम क्या कहेगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, तो फाइव होल स्क्वायर इक्वल्स टू by 5 square equals to AP square plus 3 square, so therefore AP square equals to 25 minus 9 equals to 16, therefore AP equals to 4, AP aapka kitna ho gaya 4, now since OP is perpendicular to AB, OP kya hai, AP pe perpendicular, therefore AB equals to kya ho jayega, twice of AP, भाई एपी का डबल, कोर्ड जो है अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो वो बाइसेक्ट हो जाती है, तो पूरी लेंथ चाहिए, तो एपी का डबल, तो 2 इनटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, एबी की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। चलो हाश थोड़ा सा भाई पानी पी लेते हैं, अभी पी लेना भाई, थोड़ा पॉज ले लो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, पानी पी लो आराम से, ठीक है? नेक्स्ट अब देखते हैं, मान लो क्वेश्चन नंबर 23 का और, A circle with center O touches all the sides of the quadrilateral. एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को टच करता है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जैसे बन गया, उसके हर एक साइड को सर्कल टच कर रहा है, ए बी सी डी, जिसमें ए बी की वैल्यू दी हुई 5,
बीसी की वैल्यू दी हुई 12, सीडी की वैल्यू दी हुई 17 और एडी की वैल्यू दी हुई फाइंड करने को बोला है। सिंस भाई एबीसीडी जो है उसके अंदर एक सर्कल है जो सारे की सारी साइड को टच कर रहा है, तो ये याद रखना है सिंस सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रेटल, ऑल द साइड डाइस नहीं साइड्स ट्राई कर रहा हूँ, ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, भाई क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स को टच कर रहा है, देयर फोर ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ऑपोजिट साइड का सम जो है इक्वल होता है, ए बी दिया हुआ है 5, सी डी दिया हुआ है 17, ए डी हमें फाइंड करना है प्लस बी सी दिया हुआ है 12, देयर फोर ए डी इक्वल्स टू 22 माइनस 12 यानी 10 सेंटीमीटर। भाई कैलकुलेशन के समय कहीं छोटी मोटी मिस्टेक रह गई हो तो आप देख लेना प्लीज, और बता तो देना, भले कमेंट सेक्शन में बता दो सर इस क्वेश्चन में आपकी गलती हो गई, कोई बात नहीं उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, बट कोशिश करो कि आप गलती ना करें, ठीक है? पहले आप खुद सॉल्व करो फिर चेक करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको थोड़ा सा स्पीड में लग रहा है अपने आप की स्पीड को स्लो कर दें मोबाइल में से, मेरी स्पीड स्लो नहीं हो रही है बट मोबाइल में से आप करोगे तो धीमे धीमे आपको समझ में आएगा, और फिर एक बार में समझ नहीं आता है तो अपना ही मोबाइल पीछे कर लो, कोई मना करेगा क्या भाई? खुद का मोबाइल, खुद का लैपटॉप, खुद की सब चीजें पीछे कर लो। और याद रखो 100 लाइक्स तक पहुंचा दो पीडीएफ आपको दे दूंगा डायरेक्ट टू डायरेक्ट, तो पीडीएफ में से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? गलती आपको पता चल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, टू क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। भाई देखा देखा लग रहा है, देखा देखा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है तो लगना चाहिए भाई, यही तो मिला था हमको रामलाल की छत में, नहीं पता? देखो टेक्स्ट बुक आप खोल लो, टेक्स्ट बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, दो क्यूब, भाई दो क्यूब को अगर हम लोग ज्वाइन करके रखते हैं, दो क्यूब को अगर हम लोग ज्वाइन करके रखते हैं, ठीक है? तो दो क्यूब को अगर हम लोग ज्वाइन करके रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका दो क्यूब, इस तरह से ज्वाइन क्या बना रहा है, क्यूबॉइड बना रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब इक्वल्स टू 64, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, मतलब साइड कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, इसकी 4 इसकी 4, फिर आपको पता है ये 4 + 4 लेंथ हो जाएगा, और बेस और हाइट में चेंजेस नहीं हुए भाई, ये देखो ब्रेथ और हाइट उसमें 4 4 ही रहे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड द लेंथ ऑफ, लेंथ ही फाइंड करनी, सॉरी वॉल्यूम नहीं फाइंड करना, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू ए प्लस ए, 2 हो जाएंगे तो 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर। क्या बात है, कितना इजी क्वेश्चन भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं फाइंड करना, वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ नहीं, सिर्फ लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ तो आपके सामने 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम बोला होता तो LBH, टोटल सरफेस एरिया बोला होता 2 (LB + BH + HL, भाई बेसिक वालों के लिए तो जल्द से भाई बेसिक, इतना इजी क्वेश्चंस पे डालता है क्या? कोई बात नहीं, डाल दिया तो डाल दिया, अब हम उसको मना तो नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज ए, चलो ये हल ए स्क्वायर, ठीक है, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज बी, बी ओके, ठीक है, द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कोन इज सी, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कोन इज सी, ठीक है, देन फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द सॉलिड एज शोन इन द फिगरिंग फिगर। देखो एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन जब मैंने स्कूल में करवाया था तब भी बहुत सारे जन कंफ्यूज होते हैं, बट ये चीज याद रखनी है आपको कि क्या करना है, कैसे क्या करना है। देखो टोटल सर्फेस, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये जो सॉलिड है उसमें क्या होगा, एक तो आपको ये कर्व सरफेस एरिया चाहिए और ये भी कर्व सरफेस एरिया ही चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट तो कवर हो गया, तो ये सर्कल वाला पार्ट है, देखो मैं इसको कलर चेंज करके आपको बताऊं, ये जो सर्कल वाला पार्ट है दिस पार्ट, ये पार्ट तो दोनों में कहीं पे भी इंक्लूडेड है ही नहीं, दोनों में से कैंसिल हो गया, लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है, मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन, बट हमारे पास तो एक तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, और बेस एरिया ऑफ बेस है, तो एरिया ऑफ बेस के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन खाली चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में से बेस को माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा,
ऑफ हेमिस्फीयर प्लस टीएसए ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ बेस, तो आपका क्या हो जाएगा ए प्लस सी माइनस बी, तो आपका आंसर आएगा ए प्लस सी माइनस बी। याद रखना क्योंकि हमको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए था, तो वो दोनों चीज हमको अलग से दी हुई नहीं है, इसीलिए मुझे ए प्लस सी माइनस, मतलब मुझे करना क्या पड़ा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसमें से मैंने बेस को माइनस किया क्योंकि मुझे दिया हुआ वही था, तो ए प्लस सी माइनस बी। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूजुअल नोटेशन फाइंड द मीन, मीन यू आई दिया हुआ है, तो मीन क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इन टू एच, तो ए आपको दिया हुआ है 50, सिग्मा एफ आई यू आई 36, सिग्मा एफ आई 35, एच आपका 10, तो 10 फाइव टू जा फाइव सेवन जा दैट इज इक्वल्स टू 50 माइनस 72 अपॉन 7, तो 50 माइनस 10 पॉइंट, तो 50 माइनस 10 10 पॉइंट 2 2 2 2, तो 3 जा तो नहीं होगा, 2 जा 14, 6 बचा तो 8 जा 56, 4 बचा तो 5, तो ये ठीक है 285, 3 डेसिमल उससे ज्यादा नहीं जाते 3 डेसिमल प्लेस को, मैं इसको कर देता हूँ 285 आ रहा है, तो 29 50.00 माइनस 10.29 10994, तो 1793, तो आंसर आपका हो जाएगा x बार इक्वल्स टू 39.71, क्लियर, सो मीन आपका क्या है 39.71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत नजदीक पहुंच गए आप, तो आराम से शांति से सॉल्व कीजिए, पानी पीते जाइए और पिलाते जाइए। चलिए ओके, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, भाई एक डाइस है, डाइस के अंदर टोटल इवेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6, आपका हो गया 6, फिर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले फेवरेबल तो लिखे हैं, फेवरेबल प्राइम, प्राइम नंबर के लिए होता है 2 3 और 5, खाली प्राइम नंबर है तो टोटल प्राइम नंबर 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम आपका हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। सेकंड भाई नंबर लाइंग बिटवीन, फेवरेबल नंबर बिटवीन 2 और 6, तो नंबर बिटवीन 2 और 6 क्या है 3 4 और 5, यानी ये भी कितना हो गया, ये भी 3 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लो दैट इज 3/6 इक्वल्स टू 1/2 अगेन। क्वेश्चन नंबर 3, फिर फेवरेबल ऑड, ऑड नंबर कौन से होते हैं 1 3 5, यानी ये भी 3 हो गया, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इक्वल्स टू 3/6 यानी 1/2, भाई सबका 1/2 1/2 1/2 बाय 2 मार्क्स पक्के हो गए, प्रोबेबिलिटी तो भाई आपको आना ही चाहिए। चलिए भाई एक ही बार में सेक्शन बी, भाई थोड़ा सा गला बोलते बोलते सब, आजकल ठंडी का मौसम है, आप भी सांस ले लो, हम भी सांस ले लें, लेकिन ध्यान रखो आप भी भाई पानी पीते रहे, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, चलो कोई बात नहीं, सेक्शन सी की तरफ पढ़ते हैं, मूविंग ऑन, ऑल द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, भाई एम की वैल्यू फाइंड करनी है, 2x + 3y, ये क्वेश्चन भी देखे देखे से तो लग ही रहे होंगे, नहीं लग रहे हो तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। चलिए 2x - 4y = -24, जब ऐसा एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी मेथड है ना भाई, देखो हमको तो एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी लगता जी, आपको कैसा लगता हमको नहीं पता, पर इजी मेथड होना, बहुत इजी मेथड होना जी, डायरेक्टली 2x दिख रहा है तो इसको माइनस कर लो, माइनस प्लस प्लस, तो ये 2x - 2x कैंसिल, 7y = 35, y = 5, y की वैल्यू 5 आ गई, किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो और x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो क्या आ जाएगा 2x + 3 × 5 =, भाई मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ हर एक चीज को, अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ,
आगे आपको लिखना चाहिए इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, ये करो वो करो, इसके अंदर एलिमिनेशन करो, ये सब चीज करो, पुट इक्वेशन वाई इक्वल टू फाइव एंड इक्वेशन नंबर एक्स। मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ये सब चीज लिखवाने जाऊंगा भाई, पेपर जो 3 घंटे का वो 4 घंटे हो जाएंगे समझाते समझाते लिखते लिखते, वो चीज आप कर लेना ठीक है। तो 2x = 11 - 15, तो 2x = -4, तो x की वैल्यू हो गई -2 भाई, y की 5, x की -2, आपको रखना होगा इक्वेशन y = mx + 3, तो y = mx + 3, तो y की वैल्यू हो गई 5, m इन ब्रैकेट -2 + 3 प्लस 3 इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 2 = -2m, देयरफॉर m की वैल्यू क्या हो गई -1 भाई। एक -1 के लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, और 3 मार्क्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है, एकदम इजी है, आराम से सॉल्व कर सकते हो भैया ठीक है। सो करना तो ये, कर सकते हो नहीं कर सकते हो क्या फर्क पड़ता है, करना तो है ये। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। देखो एक चीज याद रखना, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा a1/a2 ≠ b1/b2, या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन कब होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो ये हो गए कंसिस्टेंट, ये दोनों ही केस में क्या आ गए कंसिस्टेंट, दिस इज नोन एज कंसिस्टेंट। और दूसरा जो होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन अगर है दैट इज a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, तो इट इज इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की ये परिभाषा याद रख लो, दिस इज कंसिस्टेंट, दिस इज इनकंसिस्टेंट ठीक है, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। चलो पहला वाला हम लोग करते हैं, तो a1/a2 = 1/3, b1/b2 = -1/-3 = 1/3, c1/c2 = -8/-16 = 1/2, तो देयरफॉर a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, तो ये फर्स्ट वाला केस क्या हो गया इनकंसिस्टेंट, समझ रहे हो भाई। वैल्यूज कोफिशिएंट्स की वैल्यूज लेना, मैंने कोफिशिएंट्स की वैल्यू नहीं ली दिखाई, बट कोफिशिएंट्स की वैल्यू लेनी है। देखो 1 - 1 और ये उस तरफ आ जाता है इक्वल टू संख्या, इसलिए मैंने -8 लिया, ऐसा देख रहे होंगे सारा 8 और 16 को माइनस क्यों लिया, तो भाई जनरल फॉर्म है। सेकंड a1/a2 = 2/4 यानी 1/2, b1/b2 = 1/-2 इंप्लाइज a1/a2 = b1/b2, मतलब क्या हो गया कंसिस्टेंट। चलो ये तो कंसिस्टेंट हो गया, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। थर्ड केस, थर्ड केस में आपका आ जाएगा, देखो a1/a2 = 2/4 = 1/2, b1/b2 = -2/-4 that is 1/2, c1/c2 = -2/-5 यानी 2/5 भाई। यहां पे थर्ड केस के अंदर a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, therefore it is inconsistent भाई। a की वैल्यू जो थी कंसिस्टेंट आई, बाकी दोनों की दोनों क्या है इनकंसिस्टेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टारगेट, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, a = 3, b = -5, c = 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x = -b + or - √b² - 4ac / 2a, -5 + or - √-5² - 4 × 3 × 2 / 2 × 3, ये हो जाएगा 5 + or - √25 - 4 / 12 = 24/6, तो x = 5 + or - 1/6, तो x = 5 + 1/6 = 6/6 = 1, एक ये वैल्यू हो सकती है रूट वन, और सेकेंड x = 5 - 1/6 = 4/6 यानी 2/3, तो दोनों रूट्स आपको निकल गए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इजी है बेसिक वालों के लिए, तो भाई पेपर बनाया कि क्या बनाया, बहुत बढ़िया वाह, मजे है बेसिक वालों के लिए ठीक है, कोई बात नहीं।
एक चीज याद रखना, प्रैक्टिस करने के लिए बेसिक स्टैंडर्ड को अलग अलग मत कर लेना। नो डाउट स्टैंडर्ड बोले, वेटेज वाइज आप प्रैक्टिस करो, चैप्टर के वेटेज वाइज आप प्रैक्टिस करो। आपको पता होना चाहिए कि पेपर स्टाइल बेसिक का चेंज हो चुका है, तो पेपर वेटेज वाइज आप बेसिक पेपर चेक करो। पेपर स्टाइल सेम है, बट प्रैक्टिस करते समय स्टैंडर्ड पेपर और बेसिक पेपर, ऐसा नहीं बोलना कि मैं सिर्फ बेसिक करूंगा, मैं सिर्फ स्टैंडर्ड करूँ। करना सारे भाई, प्रैक्टिस सारे करना। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ चित्राक्षी मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30 एंड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। The product of those marks would have been 210. Find her marks. भाई मैथ्स और इंग्लिश में मिला के उसको 30 मिला है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैथ्स में मिला एक्स और इंग्लिश में मिला वाई, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और फिर अगर मैथ्स में had she got 2 marks more in the maths, मैथ्स के अंदर अगर 2 मार्क्स ज्यादा मिले होते और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो उन दोनों का प्रोडक्ट, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आए होते तो उन दोनों का प्रोडक्ट 210 हो जाता है। नहीं बात तो ये तो गड़बड़ होगी, मैं एक्स वाई तो नहीं ले सकता। एक काम, मैथ्स में मान लो एक्स आए तो इंग्लिश में कितने आए होंगे, 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिला के कितना है एक्स, क्योंकि भाई प्रोडक्ट है तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो ये हो गया एक्स। अब अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा आए होते हैं और इंग्लिश में मीन्स 30 माइनस एक्स माइनस 3 3 मार्क्स कम आए होते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 210 होता है। चलो एक इक्वेशन बन गया, तो एक्स प्लस 2 × 27 − x = 210, तो ये हो जाएगा 27x − x² + 54 − 2x = 210। यहां पे बनेगा सबका सब उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे 0 बचा, उस तरफ आ जाएगा x² − 27x + 2x + 210 − 54 implies, इससे क्या बनता है देख लो, सोच लो, समझ लो। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, पता नहीं हूँ, तो फटाफट फटाफट करने की आदत होती है, लेकिन आप लोग के इस लेवल तक गिर के हम अच्छे से कोशिश करते हैं, थोड़ा सा स्लो जाए, बट नहीं हो पाता, होता नहीं है। 210 − 54 = 6 5 1 156 156 को 25 बनाना है तो 12 13 याद रखो, नहीं याद रहता तो कर लो, बट x² − 12x − 13x + 156 = 0 implies x − 12 − 13x − 12 = 0 implies x − 12 x − 13 = 0 Therefore, x = 12 or x = 13। अगर मैथ्स में 12 आते हैं तो ये ले लेते हैं कि अगर मैथ्स में 12 आते हैं मीन्स x = 12 है तो इंग्लिश में आ जाएंगे 18। अगर मैथ्स में 13 आते हैं तो इंग्लिश में आ जाएंगे 17। ये याद रखना, मैथ्स इंग्लिश दैट इज वॉट। समझ में आया भाई, लास्ट स्टेटमेंट वगैरह तो आप अपने खुद ही लिख लेना है, हमारे ऊपर भरोसा नहीं रखना है लिख लेने का, भाई लिख लो, खुश रहो भाई। 29 ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड के पेपर नंबर 6 में भी था। चलो बढ़िया, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, सम्स को डिवाइड मत करो भाई, ये सबका सम फाइंड करना है, ऐड मतलब सम फाइंड करना है, एसएन फाइंड करना है। एसएन के लिए पहले एन होना जरूरी है, बाकी तो आपके पास जो एसएन का फॉर्मूला जो है, मैं बताऊं यहां पे, SN = n/2 (a+an) तो ए भी है, ए एन भी है, बट एन नहीं है, तो ए एन के लिए क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, −8 − −5 दैट इज इक्वल टू −8 + 5 यानी −3। ए तो आपको सामने दिख ही रहा है तो वो लिख देता हूँ −230 − 5 + n − 1 − 3 इम्प्लाइज −230 + 5 = n − 1 × −3 implies −225 upon −3 = n − 1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, वेट 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 वेट, तो यहाँ पे n − 1 = 75 तो n = 76 n की वैल्यू कितनी आ गई, 76, तो यहाँ पे रख दो 76 upon 2 (−5 − 230
दैट इज इक्वल्स टू 38 इन ब्रैकेट माइनस 235। भाई 38 को और 235 का मल्टीप्लिकेशन तो करना बनता है, खुद कर लेना। तो 0 5 15, 9 10, 0 1 6 7, 40, 0 4 30, 24, 28, 2, 16, 17, 18, 0, 3, 9, 8, 8 9 0, आपका सम आ जाएगा -8930। भाई आंसर, भाई मल्टीप्लीकेशन आंसर जल्दबाजी में गलत हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा, गलती हो सकती है ना, हो सकती है, ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा। चलिए, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 एंड फाइंड द 20th। ओके, एसएन दिया हुआ है, एसएन नहीं बोलूंगा मैं, सम ऑफ फर्स्ट 14, तो एस 14 इक्वल्स टू 1050, ए आपको दिया हुआ है 10, आपको ए 20 फाइंड करना है, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d, या ऑब्वियस बात है, ऐसे ही होता है। ओके ओके, इसको a इस फॉर्मूला से नहीं करते, n ले लेते, a प्लस ए एन। तो एस एन दिया हुआ है 1050 इक्वल्स टू 14 अपॉन 2, और ए दिया हुआ है 10 प्लस ए एन मिल जाएगा, तो 2 7, तो यहाँ पे 1050 अपॉन 7 इक्वल्स टू 10 प्लस ए एन इम्प्लाइज 1050 इक्वल्स टू 10 प्लस ए एन, तो देर फोर ए एन इक्वल्स टू 140। लास्ट टर्म आपका मिल गया 140, आपको ए एन भी मिल चुका है, 140 है एन, मतलब आपका 14th टर्म, आपके पास 14th टर्म है, आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपको फाइंड करना है डी, अगर डी मिल गया तो आपके पास बंदा बन गया ए 20, ऐसे दिखा। चलो डी फाइंड कर लेते, तो डी इक्वल्स टू क्या होगा, ए एन माइनस ए अपॉन एन माइनस 1, दैट इज डी आपका 140 माइनस ए आपका 10, और एन मतलब 14 माइनस 1, तो 130 अपॉन 13 दैट इज इक्वल्स टू 10। डी कितना आ गया 10, तो ए 20, ए 20 इक्वल्स टू ए प्लस 19 डी, तो 10 प्लस 190 इक्वल्स टू 200, ये 200 हो गया, 14 था 140, 13 था 130, इस तरह से करते करते ए 20। सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला जरूरी है, और फॉर्मूला के लिए लर्न करना, मगअप करना, जो भी समझो लेकिन करना जरूरी है, मगअप के बिना। Are the vertices of a parallelogram taken in order? Find x and y. Aha. एक parallelogram बना लेते हैं। Parallelogram के vertices दिए हुए हैं। 1, 2, b, 4, y, c, x, 6, d, 3, 5. भाई इनके find करने, तो ये याद रखना है कि इनके डायगनल जो है दोनों को एक दूसरे को बाइसेक करते हैं, मतलब दोनों का मिड पॉइंट ओ ही होगा। तो ओ देखो, सबसे पहले एसी के लिए करते हैं, ऐसा हो तो एसी के लिए, एसी मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रख लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तो अभी एसी के लिए अगर मिड पॉइंट फाइंड कर रहा हो, तो ओ इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, एसी का मिड पॉइंट और बीडी का मिड पॉइंट सेम होगा, तो उसमें भी ओ 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस वाई अपॉन 2, ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट तो सेम ही है, तो उनकी एक्स की वैल्यू सबकी वैल्यूज कंपेयर होगी, तो इम्प्लाइज 1, देखो ये दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ ध्यान रखो, और इन दोनों को कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7 बाई 2, 2 टू कैंसिल, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 6। फिर यहाँ पे 8 अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2, 2 टू कैंसिल, देयरफॉर वाई इक्वल टू 3, तो एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 3। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 31 का ये अच्छा और होगा, चलो कोई बात नहीं, 31 की और नहीं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस 13 फ्रॉम द पॉइंट 11, 4। देखो पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स कॉमा जीरो
उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स जीरो एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर। तो डी 13 दिया हुआ है, तो रूट एक्स माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस 12 होल स्क्वायर। तो 13 का रूट है तो इधर आ जाएगा 13 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121 प्लस 144 तो 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 265। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 265 माइनस 15 माइनस 6 मीन्स 96 इक्वल्स टू 0 तो प्लस 96 को 22 बनाना है। कैसे बनाएंगे तो फैक्टर्स निकालो 96 2 48 2 24 2 8 2 12 2 6 2 3 3 1 22 8 3 is a 24 plus 4 96 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3 2 3 1 96 96 8 12 8 12 96 8 12 20 होता है 2 2 2 तो 16 और x equals to 6 तो आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे p 16.0 भी हो सकता है और p 6.0 भी हो सकता है। भाई दो वैल्यूज आ सकती है, चेक कर लो। p 16.0 और p 6.0 दोनों ही पॉसिबल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। The following table gives the literacy rate in the 35 cities. Find the mean literacy rate. So mean literacy 35 city. So sigma fi में ले लेता हूँ. That is 35. तो मेरा marker change कर लेते हैं पहले भाई marker. Xi 50, 60, 70, 80, 90. हाँ इसको मैं ले लेता हूँ A. यू आई मेरा आ जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 2 1 2 एफ आई यू आई आपका आ जाएगा माइनस 6 माइनस 10 0 8 6 6 6 कट माइनस 2 तो सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल्स टू माइनस 2 तो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए आपका कितना है 70 माइनस 2 सिग्मा एफ कितना है 35 और एच कितना है आपका क्लास साइज दैट इज 10 5 2s आर 5 7s अगेन तो ये हो जाएगा 70 माइनस 4 अपॉन 7 तो 70 माइनस 0.7 5s आर 35 7 7s आर 49 बन बचा तो ठीक इतना तो दैट इज 69.43 मीन लिटरेसी रेट इज 69.43। कैलकुलेशन चेक करने की जिम्मेदारी किसकी, मैं कर रहा हूँ नो डाउट, मैं कोशिश पूरी करता हूँ लेकिन कहीं पे भी जल्दबाजी मिस्टेक हो जाए चेक करो फिर नोट करो वरना गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ होने की गारंटी नहीं ले सकते, गड़बड़ हो सकती है। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, भाई टोटल्स बॉल्स अगर देखें 5 + 8 + 4 यानी 9 प्लस 8 दैट इज 17। देखो 5 रेड है 8 वाइट है 4 ग्रीन है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड,
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड कितने है? 5 5 बाई 17। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, दैट इज इक्वल्स टू व्हाइट कितने है? 8 अपॉन 17। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, भाई नॉट ग्रीन मतलब रेड और व्हाइट हो सकते हैं, तो 13 अपॉन 17। क्लियर? रेड भी व्हाइट भी और 13 अपॉन 17। चलिए प्रोबेबिलिटी, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, भाई टोटल इवेंट आपका हो गया 90। ओके, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बोर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर बियर्स अ टू डिजिट नंबर। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिजिट नंबर, भाई टू डिजिट नंबर में बोलू तो 10 से लेके लेके 99 तक होगा, तो 11 से 99 आपके नंबर्स कितने हो गए? 89। 11 से 99 89, 89 प्लस 1 90, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिजिट नंबर हो जाएगा आपका 90 अपॉन, सॉरी 89। 89 तो कैसे होगा, 99 90 है तो 90, टू डिजिट नंबर 90, सॉरी भाई माय मिस्टेक, गलती हो सकती। तो 80 प्लस 1 81, 81 अपॉन 90 दैट इज इक्वल्स टू 9 बाई 10 इक्वल्स टू 0.9। फिर सेकेंड है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा होगा? देखो ये तो हो गया 81, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अपॉन 90 इक्वल्स टू 1 बाई 10 यानी 0.1। फिर थर्ड है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो थर्ड क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड डिविजिबल बाय 5। 5 के लिए कौन कौन से नंबर होते हैं? 5 10 15 25 30 35 40 45 50 55 60 65 75 75 80 85 एंड 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये बहुत सारे जन बोलेंगे सर डायरेक्टली डिवाइड कर देते, नो डाउट, बट इजी तरीका है तो हम लोग कर लेते। तो 9 2 18, 9 10 जा, तो 1 अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू 0.2। दोनों जितने भी आंसर्स है, सो दिस ऑल आर द करेक्ट। नाउ सेक्शन सी भी हमारा खत्म हो गया है, सेक्शन डी लास्ट सेक्शन बाकी है, देखते हैं कितने टाइम में हम सेक्शन डी भी कंप्लीट कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट, बट याद रखना है, समझना आपको है, करना आपको है, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस किसे करनी है आपको करिए। चलिए सेक्शन डी, स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। स्टेट भी करना है, प्रूफ भी करना है, तो मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, मैं सोच रहा हूँ सारे थियरम्स के एक एक वीडियो अलग बना दो, और यहाँ पे जब आते हैं तो मैं आपको मेंशन कर दूँ भाई इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी, आप देख लो। कि बार बार वही चीज पेपर के अंदर सॉल्व करना मुझे थोड़ा टफ लग रहा है, बट नो प्रॉब्लम, विल सॉल्व राइट नाउ। स्टेटमेंट आपको याद रखना है, द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ पैरेलल लाइन इज ड्रॉन टू द पैरेलल टू द बेस ऑफ द ट्रायंगल देन द लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन टू इक्वल प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं। प्रूफ बता देता हूँ शॉर्टकट, डायरेक्ट इतना ज्यादा लेंथी गिवन टू प्रूफ अभी नहीं लिख रहा मैं आपको, जल्द से ही ऐसे भी करके मैं आपको सारे थियरम्स जो आ सकते हैं उनके प्रूफ मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, फिर यहाँ पे वीडियोस की लिंक्स आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी जिसमें डी इज पैरेलल टू बीसी। आपको प्रूव करना है कि भाई आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ये आपको प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, कंस्ट्रक्शन पार्ट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर लाइन ई डी एम और ई एन, और यहाँ पे ज्वाइन कर देते बी सी इज टू बी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा? हाफ इंटू डी बी ए डी, सॉरी हाफ इंटू ए डी बेस, और हाइट क्या होता है? परपेंडिकुलर जो होता है वही हाइट होता है, तो ई एन। फिर एरिया ऑफ ए डी ई ये भी हो सकता है, अगर मैं बेस चेंज कर दू, बेस में ले रहा हूं AE, तो हाइट क्या हो जाएगा? DM। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE या BDE जो भी लिखते हो आप,
दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई अगर मैं करूं तो हाफ इनटू बेस अगर डीबी लेता हूं तो हाइट हो जाएगा अगेन ईएन, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री. फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई, डी 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 हाँ डी फॉर दिल्ली, तो हाफ इनटू ईसी इनटू हाइट हो जाएगा डीएल, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर. अब आपको क्या करना है ध्यान दो, इक्वेशन वन और टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड थ्री, तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई, दोनों में देखोगे तो ये हाफ और हाफ कैंसिल, ई एन और ई एन कैंसिल, तो बचेगा क्या ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव. फिर फ्रॉम इक्वेशन टू एंड फोर, टू और फोर से अगर देखें तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी सी ई, डी सी ई इक्वल्स टू, देखो यहां पे भी हाफ और हाफ कैंसिल, डीएम और डीएम कैंसिल, तो बचेगा क्या इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी. ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को चेक करो आप, दोनों इक्वेशन को अगर आप चेक करते हो तो देखो एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ ए डी ई तो इक्वल है, सिर्फ बचा एरिया ऑफ डी बी ई और एरिया ऑफ डी सी ई की बात, तो इसमें क्या होगा, सिंस ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल डी सी ई आर, देखो देखोगे डी बी ई और डी सी दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, आर बिटवीन डी ई पैरेलल टू बी सी, आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा थियरम जिसमें अगर दो ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और कॉमन बेस एंड हैव सेम बेस, सेम बेस कौन सा है, दैट इज डी ई, देयरफॉर एरिया ऑफ डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी सी ई, दिस इज इक्वेशन नंबर सेवन. देखो अब इक्वेशन फाइव, इक्वेशन सिक्स और इक्वेशन सेवन डायरेक्टली लिख सकते हैं. फ्रॉम इक्वेशन फाइव सिक्स एंड सेवन ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये चीज याद रखनी है. बस थोड़ा सा भाई अभी बहुत फास्ट करवा दिया है, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आपको सारे थियरम्स के एक स्पेसिफिक अच्छे से वीडियोस आपको बना के दे दूँ. ठीक है, डोंट वरी, टेंशन मत लो, जल्द से जल्द बना लेंगे. स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थियरम. Pythagoras theorem states that in a right angle triangle, the hypotenuse square is equals to sum of other two sides square. वो statement आपको खुद लिख लेना है. इसका proof. Proof देखो. एक triangle है. Triangle A, B, C जिसमें 90 degree है. यहाँ से अगर मैं perpendicular line draw करता हूँ. सपोज बी डी, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी. सो प्रूफ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, प्रूफ आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है. अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7, भाई थ्योरम 6.7 कहता है कि अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किसी भी एंगल से, किसी भी ट्राइंगल ने राइट एंगल से आप ड्रॉ करते हो, ऑल द थ्री ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी. ठीक है, ये तीनों तीन ट्राइंगल सिमिलर होते हैं अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए तो. तो अगर मैं पहले फर्स्ट और ट्राइंगल लेता हूं, नाउ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, इंप्लाइज ए बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, इक्वेशन नंबर वन. सेकेंड, अब दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं, नाउ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी ऑल्सो, तो ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी सी, इंप्लाइज यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बी सी इंटू बी सी क्या हो जाएगा, BC square equals to AC into DC, equation number two. दोनों equation को add कर दो,
एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। अब दोनों में से कॉमन निकाल देते ए सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी कॉमन, बचेगा क्या ए डी प्लस डी सी। और ए डी प्लस डी सी अगर फिगर में देखो, ए डी प्लस डी सी क्या हो जाता है ए सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा देयरफोर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए सी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये हो गया हेंस प्रूडेंस आपका फुल, यानी आपका एकदम क्लियर। चलिए चलते हैं भाई, देखो थियोरम्स तो बेसिक वालों को स्पेशली कहूंगा, थियोरम चार थियोरम स्पेसिफिकली कर लेना है, पाइथागोरस थियोरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियोरम, एरिया रेशियो वाला जो थियोरम है वो, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियोरम। ये चार थियोरम कर लोगे तो चार मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, प्लस कंस्ट्रक्शन चैप्टर, कंस्ट्रक्शन भी बहुत भाई सही है आपकी लोग के लिए तो बहुत बेनिफिट है, तो कर लेना चाहिए। नाउ मीडियन दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है भाई। एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखते हो तो मिल जाना चाहिए, बट लेट्स सी। चलो ये 525 होगा, सी एफ आपका आएगा 2 प्लस 5 7, 7 प्लस एक्स 19 प्लस एक्स 36 प्लस एक्स 56 प्लस एक्स 56 प्लस एक्स प्लस वाई 525 मीडियन मीडियन दिया हुआ है इसका, फाइव टोटल ऑब्जर्वेशन तो 100 ही है लगे सर, ये क्या है n इक्वल्स टू 100, तो 65 प्लस x प्लस y 72 प्लस x प्लस y 76 प्लस x प्लस y। फर्स्ट इक्वेशन तो यही बनता है कि 76 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 100, तो x प्लस y इक्वल्स टू 24, ये इक्वेशन के बेस पे आपका हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको मीडियन दिया हुआ है, अगर मीडियन दिया हुआ होता है तो मीडियन क्लास डायरेक्टली मिल जाती है, दैट इज 525 अगर मीडियन है तो मीडियन क्लास ये हो जाएगी, दिस इज योर मीडियन क्लास। ओके, तो आपका देखो m आपका हो गया दैट इज 525, ठीक है, यहाँ पे मैं देखूँ तो h आपका हो गया 100, f आपका हो गया 20, cf आपका हो गया 36 प्लस x, सारी चीजें हो गई है n by 2 equals to 50, ठीक है। मैं पीछे की साइड जाके इसको सॉल्व कराऊं कि यहाँ पे साइड सॉल्यूशन हो ना पाए, इट्स बेटर कि पीछे करें। तो मेडियन m equals to रेड पेन, m equals to l plus n by 2 minus cf upon f into h। l क्या होगा, तो l होगा लोअर लिमिट, दैट इज 500, लोअर लिमिट ऑफ मेडियन क्लास मतलब 500। ये दिया हुआ है 525 equals to 500 plus n by 2 means 50 minus cf मतलब 36 minus x, भाई minus आप बोलोगे सर 36 plus x है लेकिन minus sign जाएगी तो दोनों में लगेगी, frequency 20 और height आपका है h यानी 100, h 100 है 100, चलो ठीक है 100, 00 cancel to 5 तो ये बन जाएगा 25 upon 5 equals to 14 minus x implies 5 equals to 14 minus x, therefore x equals to 9, भाई x की वैल्यू 9 आ गई है, कर रहे हो 14, बराबर परफेक्ट है। पुट x equals to 9 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में रख दो, तो x plus y equals to 24, तो y equals to 24 minus 9 यानी आपका आ गया 15, तो y 15 है और x आया। भाई चैप्टर 14 बेसिक वालों को बहुत ज्यादा कर लेना है क्योंकि चैप्टर 14 का जो है चैप्टर 14 के 14 मार्क्स के क्वेश्चंस वो तो आपको कर ही लेना है। ड्रो अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, लिखा हो ना लिखा हो लिखना है आप लिख देना। देखो पहले सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर की लाइन बना दो, AB इक्वल्स टू 7.6 सेंटीमीटर की लाइन बना दो, फिर आपको यहाँ पे 60 डिग्री बनाना है, ध्यान लो मैं ये फर्स्ट मेथड कर रहा हूँ, 60 डिग्री B के ऊपर भी 60 डिग्री बनाना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, 60 डिग्री बनाओगे तो परफेक्ट होगा क्योंकि
दोनों साइड इक्वल एंगल होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरा मेथड है। अब इक्वल आर्क्स कट करने हैं, देखो ए पे आपको फाइव करने, 1 2 3 4 5 मीन्स A1 A2 A3 A4 A5, और बी पे आपको कट करने 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। फिर आपको सिर्फ क्या करना है, B8 और A5 दोनों को कनेक्ट कर दो। तो जैसे ही ये कनेक्ट हुआ, ये पॉइंट आ गया मान लो सी, ये 5:8 पॉइंट में डिवाइड हो गया आपका लाइन। समझ में आ रहा है, आपकी लाइन जो है 5:8 में डिवाइड। दिस इज व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का, सर्कल 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दिया, भाई बहुत अच्छा ड्रॉ किया है, इतना बुरा मत मानो। ओ एक पॉइंट लेना है 10 सेंटीमीटर अवे, पॉइंट लेना है 10 सेंटीमीटर अवे, मतलब मान लो ये 10 सेंटीमीटर अवे में पॉइंट पी ले लिया। अब आपको इसके टेंजेंट्स बनाने हैं, तो टेंजेंट्स बनाने के लिए यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो एक आर्क यहां कट होगा, एक आर्क यहां कट होगा, बी से एक आर्क कट होगा तो यहां पे, और यहां पे आर्क कट होगा। तो देखोगे तो एक लाइन ऐसे इस तरह से बनेगी, इट विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट क्यू, क्यू को सेंटर लेना है, और ओ क्यू या पी क्यू दोनों में से एक रेडियस लेके एक सर्कल बनेगा कुछ इस तरह से, समथिंग लाइक दिस अ सर्कल विल बी फॉर्म। ये जो पॉइंट बना ए और ये पॉइंट जो मिला बी, ए को भी पी से कनेक्ट कर दो, बी को भी पी से कनेक्ट कर दो, तो आपका कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया। फिर ए और बी की मेजरमेंट कर लो। वैसे मैं बता दूं आपको कैसे होगा, जैसे ये 6 है ये 10 है, तो ए पी और बी पी का मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर आना चाहिए, आप मेजर करके चेक कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट योर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन चैप्टर मेरा पूरा पूरा एक प्ले लिस्ट में बना हुआ है, अगर यहाँ समझ में वैसे नहीं आता है तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर गो थ्रू कर लीजिए, लेकिन बेसिक वाले कंस्ट्रक्शन चैप्टर को अच्छे से करें, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, 4 मार्क्स पक्के मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, फाइंड द मॉडल लाइफ टाइम। तो सबसे बड़ा दिख रहा है 61, तो मॉडल क्लास हो गई ये आपकी 61, ये हो गया F1, ये आपका हो गया F0, ये आपका हो गया F2, L आपका हो गया 60, H आपका हो गया 20। तो मॉडल क्लास मीन्स Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, तो इंटू एच। L आपका कितना है 60 प्लस F1 मीन्स 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू एच मीन्स 20। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 9 इंटू 20 अपॉन 126 माइनस 122 माइनस 90, तो 60 प्लस 180 अपॉन 232 90 माइनस दिस 132 दैट इज 4 8 4 4 4 5 that is 60 plus 5 point 8 5 48 6 48 2 that is 16 5। ये हो जाएगा 65.625। सो मॉडल क्लास आपका जो मॉडल लाइफ टाइम है वो हो जाएगा 65.625 in hours, 60, 6 to 5 hours, ठीक है भाई। चैप्टर 14 मार्क्स का है, चैप्टर 15 10 मार्क्स का है, तो 24 मार्क्स के दो चैप्टर्स है, तो आपको अच्छे से कर ही लेने हैं, पूछे बिना, किसी को पूछे बिना आपको कर लेना है। चलिए चैप्टर नंबर 13, अ मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है, उसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जा रहा है, ठीक है। इसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, फाइंड दी हाइट, आपको सिलेंडर की हाइट फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, πr²h। तो पाई से पाई कैंसिल, इंप्लाइज 4 अपॉन 3
इंटू आर मतलब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और यहां पे आ जाएगा इंटू आर स्क्वायर में 6 इंटू 6 क्योंकि ये आर है, दैट इज इक्वल टू एच, तो 3 6 0.7 6 0.7 3 1.4, इन सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एच इक्वल्स टू, भाई मल्टीप्लीकेशन कर लेना अच्छी बात है, मैं डायरेक्टली चेक कर लेता हूँ, अभी मल्टीप्लीकेशन करने नहीं जा रहा। 4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1.4 दैट इज 2 पॉइंट, तो हाइट इक्वल्स टू 2.744, तो हाइट कितनी आ गई 2.744 मीटर के सेंटीमीटर सेंटीमीटर। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट में सबको वापस एक और क्वेश्चन आ रहा है, और के अंदर फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। एक सिलेंडर है ठीक है, उसके अंदर से एक कोन को कट कर दिया गया है ठीक है, मतलब इसकी डायमीटर दिया हुआ है 1.4 मीटर 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपका हो जाएगा ऑब्वियसली 0.7 सेंटीमीटर, हाइट आपको दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर, हाइट आपकी हो गई 2.4 सेंटीमीटर, उसमें से कोन निकाल दिया गया है, तो आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिमेनिंग। तो ये वाला पोर्शन निकाल दिया है भले हमने, लेकिन अगर देखा जाए पोर्शन निकाला है लेकिन कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो ऊपर खाली, इतना पार्ट काउंट नहीं करोगे भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपको काउंट करना पड़ेगा, और कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए एल चाहिए, तो एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर मीन्स 0.7 होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मीन्स 2.4 होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा रूट 0.49 प्लस 5.76 इक्वल्स टू रूट 6.25, यानी आपका आ जाएगा 2.5, सो एल आपका कितना आ जाएगा 2.5 ठीक है 2.5 सेंटीमीटर। नाउ टीएसए ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस बेस यानी सर्कल जो है वो प्लस सीएसए ऑफ कोन ठीक है, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस बेस मीन्स पाई आर स्क्वायर प्लस कोन मीन्स पाई आर एल, पाई आर सब में से कॉमन निकाल देता हूं, तो 2h प्लस आर प्लस एल ये हो जाएगा 22 अपॉन 7 इंटू 0.7, खाली पाई की वैल्यू नहीं दी हुई, तो 0.7 इंटू 2h इन 2.4 इंटू 2 दैट इज 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा 0.1 दैट इज 2.2 इंटू 4.8 प्लस 3.2, तो 2.2 इंटू 8 तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नियरेस्ट अगर देखा जाए तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो पेपर था वो न्यू पेपर स्टाइल, भाई बेसिक की पेपर स्टाइल आप देख के चौंक मत जाना, ये न्यू पेपर स्टाइल है और यही पेपर स्टाइल में आएगा, वेटेज सेम रहेगा जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, बट पेपर स्टाइल यही रहेगी जैसी स्टैंडर्ड की वैसी पेपर स्टाइल, सिर्फ वेटेज डिफरेंट रहेगा। तो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कर दीजिए, लेकिन प्लीज मेक श्योर अगर पसंद भी आ गया, सब कुछ समझ में भी आ गया तो भी आप कमेंट कीजिए कि यस वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब शेयर, मैक्सिमम शेयर करो, 100 लाइक्स तक पहुंचा दो ताकि पीडीएफ भी मैं जल्दी दे सकूं, देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।